बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपको होस्ट मोहम्मद हुसैन, ए बी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहरिया टाउन कराची से। वीवर्स, आज हम मौजूद हैं प्रिसेंट 37 के अंदर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रिसेंट 37 जो है वो बहरिया की एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इस प्रिसेंट की सबसे मेन अट्रैक्शन जो है वो आप हमारी स्क्रीन पर आपने अभी देखा होगा, ये आइफल टावर है। आप जैसे कि जानते हैं कि जो कि प्रिसेंट 37 में मौजूद है। और अगर हम इसके अलावा प्रिसेंट 37 की प्लॉट्स की कटिंग की बात करें तो यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड्स के और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं वो मौजूद हैं। और इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि हाइटेड लोकेशन और बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहरिया का जो स्टेडियम है, जो रफ़ी स्टेडियम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो यहाँ से उसका आपको व्यू मिलता है, जो कि यहाँ से नीचे मौजूद है इसकी लोकेशन से 37 से। सामने स्पोर्ट सिटी के 350 गज़ के सारे विलाज हैं, ये सारे जो कि यहाँ पर तकरीबन 50% लोग आबाद हो चुके हैं, जिसकी वजह से 37 की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा 37 की सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, सामने हमारे आइफल टावर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ये मेन अट्रैक्शन है प्रिसेंट 37 की। आइफल टावर की वजह से यहाँ की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है। इसके अलावा इसकी अगर आप अपनी लोकेशन की बात करें 37 की, तो 37 के अंदर जो प्लॉट्स है ये हाइटेड प्लॉट्स हैं, सारे आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट के लेवल के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ प्लॉट जो है वो अलॉटमेंट के साथ मौजूद है। और मेन जिना एवेन्यू के साथ होना, फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम, स्पोर्ट सिटी के विलाज, ये सब चीज़ें हैं जो है वो प्रिसेंट 37 की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो इस वजह से डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ की जो मार्केट वैल्यू है, यहाँ के 500 गज़ के विलाज और 1000 गज़ के जो प्लॉट जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो प्लॉट जो है वो आप बहरिया के बाकी जो प्लॉट्स हैं, जैसे कि आप कंपेयर करें हिल्स के या प्रिसेंट 4 के 500 गज़ के या गोल्फ के 500 गज़ के प्लॉट से, या गोल्फ के 1000 गज़ के प्लॉट और प्रिसेंट 7 और 17 के 1000 गज़ के प्लॉट से अगर आप कंपेयर करें, तो ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज में मौजूद है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं। वो उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं, जो रिहाइश के लिए आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो एक बेहतरीन रिटर्न है यहाँ पर इन्वेस्ट करना जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है उन सब लोगों के लिए। इसकी लोकेशन तो आप लोगों ने देखी होगी, बिल्कुल एक आउट क्लास लोकेशन, सारे लेवल के प्लॉट, डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी, ऑन ग्राउंड आपके सामने आपकी चीज़ मौजूद। तो इस वजह से जो है वो इस प्रिसेंट की अहमियत जो है वो बढ़ रही है, इसके रेट जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। हाँ, इसकी लोकेशन जो है वो बहरिया के मेन गेट से कुछ 25-26 किलोमीटर है, कुछ बहरिया के मेन गेट से आगे। आपको स्टेडियम की लोकेशन का आइडिया होगा, आइफल टावर आप लोगों ने विजिट किया होगा, तो ये 37 जो है एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप आएँ यहाँ, इसको देखें और यहाँ इन्वेस्ट करें और यहाँ घर बने। ये व्यूवर्स, ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, एक छोट सी वीडियो थी प्रिसेंट 37 के हवाले से। इसके अलावा अगर प्रिसेंट 37 में जो है मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप अपनी कोई ज़मीन है जो यहाँ पर जो आप बेचना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर में मुझसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बहरिया टाउन की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो हम अपने चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोस के ज़रिए आपको अपडेट करते हैं, तो आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को इसी तरह से लाइक करते रहें। थैंक यू।